दोस्तों आज हम समाज के उस पहलू पर बात करेंगे जिस पर अक्सर कोई खुलकर बातचीत नहीं करना चाहता। शर्म वगैरह की वजह से और भी कई कारण हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो प्लीज इस वीडियो को बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आप एक बड़े हैं, टीनेज से ऊपर हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। अगर आप भी एक माता पिता है, पेरेंट्स हैं, आपके घर में कुंवारी लड़की है जो टीनेज या इससे ऊपर चल रही है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के ताजा बड़े फैसले को जरूर जानना चाहिए। अगर आप एक बहन के भाई हैं या आप बहन खुद एक लड़की इस वीडियो को देख रही है तो ध्यान से पूरा देखिए। आपको बता दूं हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुंवारी लड़कियों के गर्भ को लेकर उनकी प्रेगनेंसी को लेकर महत्वपूर्ण बड़ा फैसला सुनाया है जो देश भर के सभी नागरिकों के लिए जानना जरूरी है। आजकल अक्सर हमें ये खबरें और घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं कि कॉलेज में पढ़ने वाली कुंवारी लड़कियां जो हैं वो गर्भवती हो जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब ये कोई नई बात भी नहीं है, मेरा मतलब कि हाल ही में ऐसा कोई पहला या नया मामला हमें देखने को नहीं मिला है। अक्सर हम आए दिन देखते रहते हैं कि अविवाहित यानी कि बिना शादीशुदा लड़कियों के लिए गर्भपात करवाने के लिए यानी कि अबॉर्शन करवाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी जाती है, राइट? तो हाल ही में एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बड़ा फैसला सुनाया गया है? देखिए, एक डेटा के मुताबिक कॉलेज में पढ़ने वाली 9% लड़कियां अबॉर्शन करवा रही है, यानी कि 100 में से लगभग 10 लड़कियां कॉलेज में पढ़ने वाली जो अविवाहित हैं और वो अबॉर्शन करवा रही हैं, गर्भपात करवा रही हैं। अविवाहित होने के बावजूद वो प्रेग्नेंट हो जा रही है। इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हैं और हाल में तो सुप्रीम कोर्ट ने अनमेरिड महिलाओं को यानी कि अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भपात कराने का हक भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सप्ताह की गर्भवती अविवाहित महिला को हाल ही में अबॉर्शन की मंजूरी दी, जबकि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उस महिला को इसकी इजाजत नहीं दी थी। हाईकोर्ट का कहना था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP एक्ट के तहत 20 से 24 सप्ताह के गर्भपात की इजाजत अविवाहित महिला को नहीं दी जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाहित महिलाओं की तरह ही अनमेरिड महिलाओं को यानी कि अविवाहित महिलाओं को भी अबॉर्शन का हक है। अब इस मुद्दे पर एक बहस छिड़ गई है क्योंकि समाज में ऐसा माना जाता है कि महिला का अविवाहित होना ही एक सबसे बड़ी समस्या है। एक समाज शास्त्री इम्तियाज अहमद का कहना है कि महिलाओं को कानून ने तो कई अधिकार दिए हैं, लेकिन हर महिला की समस्या एक जैसी नहीं होती है। इसके लिए कानून में कुछ बदलाव जरूरी है। मेरिड और अनमेरिड महिलाओं की समस्याएं अलग अलग होती है, यानी कि शादीशुदा और अविवाहित महिलाओं की यहाँ बात हो रही है। समाज की नजरों में एक महिला जिसका अविवाहित होना ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी भी समाज में एजुकेशन की बहुत कमी है। हमारी सोसाइटी में ऐसी महिलाओं को स्वतंत्र पहचान नहीं मिलती है। अगर वह अपनी शर्तों पर जीती हैं, तो उन्हें आवारा कहा जाता है। अनमेरिड महिलाओं में प्रेगनेंसी कोई नई बात नहीं है, जमाने से ऐसा चला आ रहा है। पहले घर के अंदर ही इस बात को छुपा लिया जाता था, लेकिन आजकल डॉक्टर से सलाह ली जाती है तो इसे छुपाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी आजकल तो लिव इन का भी चलन है, कानून की नजरों में लिव इन लीगल है, लेकिन समाज ने अभी भी इसे स्वीकार नहीं किया है। इन रिश्तों में रहने वाली महिलाओं को चरित्रहीन समझा जाता है। तो ऐसे ही इस मुद्दे पर जो बहस छिड़ गई है, इस पर दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर माला श्रीवास्तव ने वुमन भास्कर को बताया कि 12 सप्ताह के बाद अबॉर्शन नहीं किया जा सकता है। दरअसल इस दौरान गर्भ में बच्चा विकसित हो चुका होता है। अगर बच्चा एबनॉर्मल भी हो तभी 24 सप्ताह में गर्भ गिराया जा सकता है। कानून भी इसकी इजाजत देता है, लेकिन एबनॉर्मल बेबी को 22 से 24 सप्ताह तक बिना इजाजत के अबॉर्ट कर सकते हैं। 24 सप्ताह में अबॉर्शन करने से मां की जान भी जा सकती है। महिला का अनियमित खून बह सकता है या इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस समय बच्चा पूरा बन जाता है और कई बार तो 24 सप्ताह के दौरान गर्भपात के समय बच्चे जिंदा पैदा होते हैं। 24 सप्ताह में नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी भी हो जाती है। बच्चा पैदा होते ही रोता भी है, यानी कि 24 सप्ताह में बच्चे को मारा नहीं जा सकता है। देखिए भारत में डेटा क्या कहते हैं, 33% युवा शादी से पहले ही संबंध बना लेते हैं, खास करके 15 से 24 साल में ज्यादा बनाए असुरक्षित यौन संबंध एक सर्वे में इस बात का पता चला है। इनमें से 17% स्कूल के बच्चे और 33% कामकाजी युवा भी शामिल है। 3,300 लोगों ने यह माना कि 16 से 18 साल की उम्र में ही उन्होंने ऐसा किया। ये डेटा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट से लिया गया है। आपको बता दूं साल 2021 में यानी पिछले साल ही MTP एक्ट में अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशून कुमार ने बताया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP एक्ट साल 1971 में पारित किया गया। ये केवल मेरिड महिलाओं को अबॉर्शन की अनुमति देता था, लेकिन इसमें 20 सप्ताह के गर्भ को खत्म करने का भी नियम था। लेकिन 2021 में इस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए और अनमेरिड महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की धारा 3 के स्पष्ट रूप से पति के बजाय पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी कि पति शब्द अपने आप में एक महिला के लिए विवाहिता की कंडीशन बताता है, लेकिन पार्टनर शब्द अपने आप में एक महिला की अविवाहित कंडीशन को भी प्रेजेंट करता है। जैसे कि आपका लिव इन पार्टनर हो सकता है, आपका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है,
जिनके साथ अगर आप शादी से पहले संबंध बनाती हैं और उनसे गर्भवती होती हैं, तो ये सब कुछ भी अब एमटीपी एक्ट में शामिल होंगे। यानी कि अब 20 से 24 सप्ताह तक अविवाहित महिला के गर्भ को भी अबॉर्शन करवाने की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। नए कानून में अब रेप पीड़िता, नाबालिग लड़की, गंभीर रूप से बीमार महिला समेत सभी महिलाओं को शामिल किया गया। अब रेप पीड़िता और अविकसित 24 सप्ताह के भ्रूण को भी अबॉर्ट किया जा सकता है। 24 सप्ताह से ज्यादा की प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए कोर्ट में याचिका देनी पड़ती है। 20 से 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए मेडिकल कमेटी की भी सलाह ली जाती है। देखिए, भारत में हर साल 1.5 करोड़ महिलाएं अबॉर्शन कराती हैं। दूसरी तिमाही में 59% अनमेरिड महिलाएं शामिल हैं। कॉलेज में पढ़ने वाली 9% लड़कियां इसमें शामिल हैं। लड़कियों में आखिर जागरूकता क्यों नहीं है, तो इस पर डॉक्टर माला श्रीवास्तव का कहना है कि लड़कियों के बीच कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर अभी भी अवेयरनेस नहीं है। कई लड़कियों को यह पता भी नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते कैसे हैं। असुरक्षित यौन संबंध के कारण कई अनमेरिड लड़कियां अबॉर्शन के लिए आती हैं। इनमें से ज्यादातर लड़कियां 6 से 7 सप्ताह के लिए गर्भवती होती हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि कंडोम सुरक्षित होते हैं, लेकिन इनके 18% फेल होने के चांस रहते हैं। और ऐसे में डॉक्टर माला श्रीवास्तव का कहना है कि प्रेगनेंसी से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका गर्भ निरोधक गोलियां, जो कि 99% असरदार होती हैं, लेकिन इनका भी गलत तरीके से सेवन करना आपकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा स्कूल के स्तर पर 13 से 14 साल की लड़कियों के बीच जागरूकता फैलाने की भी बहुत जरूरत है। अब यहां पर मेरा कहने का मतलब आप उल्टा या गलत मत समझ लीजिएगा। वैसे तो लड़कियों को और पेरेंट्स को, माता पिता को भी चाहिए कि वो खुलकर इस संबंध में अपने मम्मी पापा के साथ बातचीत करें। खास करके माँ के साथ तो इन बातों को शेयर कर ही सकती हैं, अगर वो अनमेरिड हैं और प्रेग्नेंट हो गई हैं तो भी, क्योंकि ज्यादा लंबे समय के बाद गर्भपात करवाना लड़की के लिए यानी कि उस महिला के लिए भी हानिकारक हो सकता है। और इसीलिए अगर कम सप्ताह के गर्भ को ही अबॉर्ट करवा लिया जाए तो ये हेल्थ के लिए ज्यादा चैलेंजिंग, ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से तो देखिए, हाल ही में एक और बड़ा फैसला सुनाया गया प्रेमी जोड़े के लिए कि अपनी मर्जी से शादी करने वाले कपल को परिवार वाले जुदा भी नहीं कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रेमी युगल यानी कि लवर्स के लिए खुश कर देने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि अगर दो मेच्योर कपल शादी करना चाहते हैं तो उन्हें कोई अलग नहीं रख सकता या अलग कोई नहीं कर सकता है। साथ ही ये भी कहा कि एक बार जब दो सहमति वाले वयस्क पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहने का फैसला करते हैं तो कोई भी उनके परिवार के सदस्यों सहित हस्तक्षेप करने का हकदार नहीं है। हाल ही में एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से ये फैसला सुनाया गया। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन कपल्स को पुलिस सुरक्षा की मांग थी तो उसके तहत कोर्ट ने पुलिस को भी आदेश दिया कि अगले 3 सप्ताह तक के लिए इन लवर्स को, इन प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, है ना। तो लड़कियों को लेकर ये कुछ सामाजिक अवधारणाएं और बातें चीते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस की। और फाइनली कंक्लूजन इन सब चीजों का यही है कि एक तो पेरेंट्स, माता पिता को भी अपने बच्चे बच्चों को इन चीजों के बारे में एजुकेट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। दूसरी बात, लड़कियां भी टीनएज के बाद खुद में थोड़ी समझदार हो ही जाती हैं, तो उनको भी इन चीजों का काफी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक टीनएज के बाद लड़कियों को सब कुछ पता होता है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अब मेरे कहने का मतलब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मुझे ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे बच्चे भी सब कुछ समझते हैं वैसे भी। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों गर्ल बॉय को लेकर ये न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस का अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला था तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से अपनी डीएलएस न्यूज फैमिली के साथ शेयर करना तो बनता है, राइट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, मित्र मंडल के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इन चीजों के बारे में अवेयरनेस मिले। लाइक करना वीडियो को साथ में और हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।